नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बी इंस्पायर्ड विद कृष्णा में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक नया सेक्शन शुरू किया है जिसमें मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी चीजें बताऊंगा, सेल्फ हेल्प के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है कॉन्फिडेंस कैसे दिखे। देखिये, कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो लो हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है तो आप कॉन्फिडेंट दिखाई भी नहीं देते। देखिए, कॉन्फिडेंस में आना और कॉन्फिडेंट रहना एक अलग सिचुएशन है, लेकिन कॉन्फिडेंट दिखना भी एक अलग सिचुएशन है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है या किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहां पर आप ये फील करते हैं कि यहां पर आपका कॉन्फिडेंस लैक है, लेकिन आप वहां पर कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें, तब आपको बातें पूरी समझ में आएंगी। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन चीजों को अगर मैं सही ढंग से एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा। वैसे मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा, ये वीडियो मैं छोटा रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, कॉन्फिडेंस में होना, कॉन्फिडेंस में रहना और कॉन्फिडेंट दिखना, ये दोनों अलग चीजें हैं और जुड़ी हुई भी। पहले हम ये समझते हैं ये जुड़ी हुई कैसे है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होगी, आपके फेस से कॉन्फिडेंस झलक रहा होगा। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में, किसी जगह पर, किसी के साथ आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आप लो कॉन्फिडेंट वाले इंसान नजर आने लगते हैं, आप थोड़ा सा लेजी दिखना शुरू हो जाते हैं, और लोग आपको देखकर ये समझ सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लो है और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अब जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वे अपने कॉन्फिडेंस को उस तरह से बूस्टअप नहीं कर पाते, लेकिन वे चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट नजर आए। तो यहां पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो यही बताने जा रहा हूं कि आप क्या ऐसा करें कि आप कॉन्फिडेंट दिखें, भले ही अंदर से आपका कॉन्फिडेंट लो हो। अब आप सही समझे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपना मेकओवर करना है। आपने कई बार ये सुना होगा कि बी नेचुरल, जितना हो सके उतना नेचुरल रहिए, क्योंकि आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना कॉन्फिडेंट दिखेंगे, उतना आप नकली नहीं दिखेंगे, यानी कोई मास्किंग आपके फेस पे नहीं होगी। लेकिन बी नेचुरल, एक्चुअली में हम नेचुरल नहीं रह सकते। देखिए, हम जरूरत से ज्यादा बी नेचुरल नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते? देखिए, प्रकृति ने हमें जैसा बनाया, हम वैसा किसी के सामने नहीं जा सकते। आप अपने बालों को कंघी किए बिना नहीं बाहर निकलते, या आप अच्छे कपड़े पहने बिना नहीं निकलते। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, वो ये करना है कि अपना मेकओवर करिए। आप अपने बालों के स्टाइल को देखिए, अपने कपड़े पहनने के तरीके को देखिए, बिल्कुल अपनी बॉडी को देखिए, यानी कि आप लुक लाइक कैसा दिख रहे हैं। अगर आप बहुत पुराने या बेतरतीब या ढीले ढाले कपड़े पहन रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम दिखेगा। अगर आप अपनी फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे। अगर आपके बाल अच्छे और सलीके से नहीं है, यानी कि आपके फेस को सही सूट नहीं कर रहे, तो भी आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को देख करके आप उनके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो जब आप किसी को देखकर उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही परसेप्शन कोई आपको देखकर आपके विषय में भी बना ले जाता है। तो इसलिए अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए। अब जैसे कई सारी लड़कियां हैं, यहाँ पर मैं फीमेल्स की बात करूंगा, कई सारी लड़कियां हैं वे मेकअप नहीं करना चाहती। तो ठीक है मैडम, मेकअप आप नहीं करना चाहती, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको अपने ऑरा को यूज करना हो, अपनी पोजीशन को थोड़ा अच्छी दिखानी हो, तो वहां पर आपको मेकअप में जाना होगा। क्योंकि अगर आप उस मेकअप को नहीं यूज करते हैं, अगर आप नहीं यूज करते तो आप अटेंशन नहीं ले पाएंगे किसी का। तो अगर आप अपने आप को सही मेकओवर में नहीं रखे हुए हैं तो आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन मेकअप को यूज करने का ये मतलब नहीं है कि उसे ओवरलोड यूज कर दें। ऐसा भी नहीं कि हर जगह पर पार्लर वाला मेकअप या शादी वाला मेकअप करके जाए, नहीं, एक लाइट मेकअप। आप ये देखिए कि आपके फेस पे क्या सूट करता है, जो आपके फेस पे सूट करता है आप वैसा करें। अब जो मेल है, पुरुष है, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला अपने बालों को देखिए, अपने लुक्स को देखिए, आप अपने पूरे फेस को मिरर में ध्यान से देखिए कि अगर ये फेस किसी दूसरे पर्सन का हो तो क्या आप इस फेस के साथ इम्प्रेस हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो मेकओवर करिए। अपने आप को ध्यान दें कि आप किस पोजीशन में, किस लुक में अच्छे दिखते हैं। मिरर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें जब आप अपने घर पे रहें। घर पर थोड़ा देर तैयार हो जाएं, एक मिरर के सामने बैठ जाएं और अपने आप के साथ थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करें।
उस समय आपको पता चलेगा कि जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो आप कैसा दिख रहे हैं। जो आप दिखते हैं वो आप हो जाते हैं। लोग आपके बारे में वो राय बना लेते हैं जब तक कि लोग आपके बारे में नहीं जानते। तो इसलिए जो आपका फर्स्ट लुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपको लगता है कि आपके बाल सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि बड़े बाल, ज्यादा बड़े बाल आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते तो छोटे कराइए। अगर आपको लगता है कि छोटे बाल आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते तो बड़े कर लीजिए। आप इस चीज को ध्यान रखें। सबसे पहला फैक्टर है मेकओवर का। अब दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि जब हम लो कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम एक स्लोथ बन जाते हैं। हम हर काम को धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे सोचते भी हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो अपनी चाल को थोड़ा सा तेज कर दीजिए। अगर आप नॉर्मल से थोड़ा सा तेज चलें तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे। ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट करने वाला है, यहां तक कि ये इसका इम्पैक्ट इतना बढ़िया है कि आप उस कॉन्फिडेंस को अपने भीतर भी महसूस करेंगे। लाइक अगर आप ऑफिस में हैं और आपको किसी से मिलने जाना है, किसी काम के लिए बाहर जाना है, पेंट्री में, आप अपनी स्पीड को 1.5 टाइम थोड़ा सा तेज कर दीजिए। जब आप तेज स्पीड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो गया है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पर, वो है जो मेकओवर से ही जुड़ी है, आपके ड्रेस और आपका ड्रेसिंग सेंस। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनैलिटी के अनुकूल नहीं है तो भी आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप कुछ पहने तो वो आपके पर्सनैलिटी के बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3-piece सूट पहनकर घूमें। इसका ये मतलब है कि आप जो पहने, टी शर्ट पहने, शर्ट पहने, व्हाटएवर आपको जो पसंद है। यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस से मतलब ये नहीं है कि आप फैशन में कुछ भी कर ले या कोई भी नया फैशन यूज कर ले। जी नहीं, आप अपने आप को समझें कि आप कैजुअल में अच्छे लगते हैं या फॉर्मल में। आपका जो पर्सनैलिटी है वो किस में निखर कर आता है, किस समय किस ड्रेसिंग सेंस में लोग आपकी बातों पर ज्यादा इम्प्रेस हुए, इसको ध्यान दें। अगर आप ये करेंगे, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करेंगे। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि कौन से कलर आपके ऊपर सूट करते हैं। कलर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। व्हाइट कलर का अपना एक अलग इम्पैक्ट है, ब्लैक का अलग है, ऐसे ही रेड और येलो और ग्रीन और पिंक, हर कलर का अलग इम्पैक्ट है। तो आप कलर्स का भी ध्यान दें कि कौन सा कलर आपके ऊपर सूट करता है। किसी की देखा देखी बिल्कुल भी ना करें। किसी ने कोई शर्ट या कोई सूट खरीद रखा है, ठीक है, कोई कुर्ती खरीद लिया है, वो बहुत अच्छा है तो वैसा ही मैं ले लूं, नहीं, ये मत करिए। पहले ये देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी लंबाई कितनी है, आप कितने, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और उस पर क्या सूट करेगा, तो उस हिसाब से कपड़े खरीदें। अगर आपको लगता है कि करंट वार्डरोब आपकी उस हिसाब से नहीं है, उन पैरामीटर्स पे नहीं उतरती, तो अपनी वार्डरोब को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेंज करें। ये नहीं कि आप मेरे वीडियो को देखें, वीडियो खत्म होने के बाद में किसी साइट पे लॉग इन करें और 10 सेट कपड़े ऑर्डर कर लें, नहीं, ये नहीं करना है। एक एक करके करें। सबसे पहले आप चूज करें, हो सके तो अपने दोस्तों अपने परिवार से पूछें कि कौन सा ड्रेस, कौन सा कलर आपके ऊपर ज्यादा जचता है, कौन से कलर में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी नजर आते हैं, उस ड्रेस को यूज करना शुरू करें, उस कलर को यूज करना शुरू करें और फिर अपने वार्डरोब को धीरे धीरे मेकओवर कर लें। और नंबर 4 है फेक इट अंटिल यू मेक इट। इसका मतलब है कि नकली कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करें जब तक कि असली कॉन्फिडेंस आपके भीतर नहीं आ जाता। आप नकली कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं और जहां पर आपको पता है कि इस व्यक्ति से मिलने पर आप कॉन्फिडेंस को लो फील करते हैं, वो आपके सीनियर हो सकते हैं, फैमिली के सीनियर मेंबर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, तो आप अपने आप को सबसे पहले 5-7 बार ये बता दें कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है। अपने मन में बोलिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं उस व्यक्ति के सामने भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहूंगा, मेरे फेस पर कॉन्फिडेंस रहेगा। अपने आप को समझाएं, अपने माइंड को ये मैसेज दें। ये मैसेज आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा और जब मैसेज अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। हालांकि ये कॉन्फिडेंस फेक होगा, नकली होगा, लेकिन जब तक असली कॉन्फिडेंस नहीं आता आप इस फेक कॉन्फिडेंस को यूज करें। तो दोस्तों, अपना मेकओवर करें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की कोशिश करें, डैशिंग दिखने की कोशिश करें, अपने आप को एकदम बढ़िया और सोफिस्टिकेटेड बनाकर रखें और फिर देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, अपनी स्पीड को 1.5 टाइम बढ़ाइए, थोड़ा सा तेज चलिए, क्योंकि जब आप तेज चलेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, दौड़ना नहीं है, थोड़ा सा तेज चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं दूसरों को। और जब ये चीजें होनी शुरू हो तो आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियो पर कमेंट पोस्ट करिए
और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बी इंस्पायर्ड विद कृष्णा।